8:30 के दौरान गोंदिया जिले के दवनीवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत महलगांव मार्ग पर जा रहे रेती से भरे टिप्पर क्रमांक MH 35 AG 4099 के चालक ने लापरवाही से सामने जा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो 50 फीट घिसट कर गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि एक हमाल की जगह पर ही दर्दनाक मौत होगी। अन्य घायलों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। गांववासियों ने घटना से और पुलिस के देर से आने की वजह से गुस्से में आकर टिप्पर को आग लगा दी। परिसर में हड़कंप मच गया। आगे की जांच जारी है। खेत गए थे खाद खाली करने के लिए। अच्छा। खेत से रिटर्न आ रहे थे। हाँ। और उसी समय पीछे से टिप्पर आ रहा था, उसने ओवरटेक मार के सर ट्रैक्टर के बड़े टायर के मुंडे को ठोका, और उसी के बाद तो उसने घसीटते हुए लेकर गया। कम से कम 50 मीटर तक के उसने घसीटते लेकर गया, और सभी उसमें हमारे भाई जो थे। कितने लोग थे डॉक्टर? 6 लोग थे। तो हमारा जो भाई था, क्या नाम है, धर्मराज आगा से, वो जगह पर ही एक्सपायर हो गया। बाकी घायल लोग से दवाखाने में भर्ती आया, सहयोग हॉस्पिटल में। ये जो केस हुआ, इसके बारे में सर हमें शासन की तरफ से कुछ मदद मिलना चाहिए सर, और टिप्पर मालिक और ड्राइवर के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सर हमारा भाई गया अभी, और जो अभी हमारे और भाई कुछ भाई एडमिट है सर, अभी उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ राशि मिलना चाहिए। उनकी भी तबीयत सीरियस है। सीरियस है सर, 2-3 जने सीरियस है। ICU में भर्ती है, और दो के तो एक दो का पैर टूट गया है। टिप्पर वाले पे कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि टिप्पर वाले किस प्रकार से भगा रहे, ये शासन को नहीं दिख रहा है, न पुलिस वालों को दिख रहा है। ये क्यों अशांत कारण होना चाहिए, इनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल अर्जेंट है। एक जगह नहीं, कई जगह में यही हो रहा है। गांव खेड़े में तो भगा भगा, सिटियों के अंदर भी भगा रहा है, ये उनका ही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रमाकांत खोबड़ाकर के साथ सतीश पारधी की रिपोर्ट।